आज का विषय है गायन के घरानों का तुलनात्मक अध्ययन। इस विषय में हम सर्वप्रथम घराने के सामान्य नियम, परिभाषा, उद्भव, महत्व, स्वरूप, विकास, इसकी चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त विभिन्न घराने गायन के, जैसे ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना इत्यादि की विशेष विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। चूँकि यह विषय थोड़ा लंबा है, इसलिए इसे हमने कुछ भागों में विभक्त कर दिया है। आज इस व्याख्यान का पहला भाग पे हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत घरानों के सामान्य नियम, परिभाषा, उद्भव, महत्व, स्वरूप और विकास इत्यादि आधारभूत बातों पर चर्चा की जाएगी। घराना गायन अथवा वादन जो भी हो, इसकी एक विशिष्ट शैली है। संगीत का साधन मानवीय आवाज़ है, जो रूप की भांति भिन्न भिन्न है। मतलब जैसे सबका चेहरा अलग अलग होता है, इसी तरह से सबकी आवाज़ भी अलग अलग होती है। यही आवाज़ जब योग्य गुरु द्वारा संस्कारित की जाती है एवं योग्य शिष्य गहन रियाज, गूंज लालित्य, तारता, स्निग्धता लाकर आवाज़ को संस्कारित करता है, और यही आवाज़ जब भिन्न भिन्न अलंकारों द्वारा स्वर बन जाती है, तब यहीं से घरानों का आविर्भाव होता है। घराना शब्द मुगल काल से प्रचार में आया है, जब संगीत अपनी स्वर्णिम अवस्था में था। कहा जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन के बाद ही घरानों की परंपरा कायम हुई। हिंदुस्तानी संगीत का दूसरा नाम ही घरानेदार गायकी है। घरानों के माध्यम से श्रेष्ठ गुरु परंपरा की तालीम में योग्य शिक्षक ने स्वर के गूढ़ रहस्यों एवं संगीत की बारीकियों को अपनी गायकी में संग्रहित किया। प्रोफेसर रमणलाल मेहता के अनुसार भारतीय संगीत के संदर्भ में पारिवारिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस देश में ऐसे अनेक हुनर और कलाएं हैं जिन्हें आज भी कुछ जातियों और परिवारों ने अपने निश्चित दायरे में सुरक्षित कर रखा है। इन दायरों के फलस्वरूप भारत की कलाओं की सुरक्षा हजार वर्षों से होती चली आ रही है। इसी प्रकार संगीत की कुछ विशिष्ट परंपरा किसी विशिष्ट परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित और विकसित होती चली आती है। ऐसी परंपरा को ही घराना नाम दिया जाता है। अब हम जानते हैं घरानों के क्या नियम हैं। विद्वान जनों ने घरानों की परंपरा भिन्नता को देखते हुए कुछ नियम बनाए जो घराना शब्द का निर्वाह करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। पहला, किसी घराने के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। घराने के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार किसी भी योग्य शिक्षक को उसकी क्षमता के अनुसार अपने घरानों में शामिल करना तथा अपने ही पुत्र पौत्रादि कुटुंबियों को पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित करना और अपनी परंपरा के अनुसार उसे ढालना, दोनों ही आते हैं। दूसरा नियम, प्रत्येक घराने के शिष्य अपने गुरु की आवाज़ और गायन शैली का अनुकरण करें, यह आवश्यक है। तीसरा नियम, हर घराने के मुख्य राग होते हैं और बंदिशें जिन्हें उस घराने का गायक प्रचलित करता है। चौथा नियम, घरानों की मौलिक गायकी
तथा उनकी गायकी के मुख्य सिद्धांतों का पालन होना आवश्यक है। गायकी के मुख्य 5 घराने माने गए हैं, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना और पटियाला घराना। इसके अतिरिक्त भी और घराने हैं, जैसे मेवाती घराना, भिंडी बाजार घराना इत्यादि। अब हम बात करते हैं घरानों का उद्भव, महत्व, स्वरूप व विकास इस तरह से। संगीत में घराना कब से प्रारंभ हुआ, इसका उत्तर ठीक ठीक देना कठिन है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार घरानों की परंपरा करीब 250-300 साल पुरानी है। वैसे तो मध्ययुग में भी ध्रुपद की 4 वाणियाँ प्रचलित थी, जिन्हें आज की भाषा में 4 घराने कहा जा सकता है। और इन 4 वाणियों से पूर्व में भी कई तरह के मत, जैसे भरत मत, शिव मत, हनुमत मत, नारद मत जैसे 4 मत प्रचलित थे, जो भी घराने के समकक्षी थे। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहले भी घराने थे, किंतु उनका स्वरूप भिन्न था। वाणी और मत, इनको भी घराने का पर्यायवाची माना जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संगीत के घरानों की नींव 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूत काल में ही पड़ चुकी थी। संगीतकारों को राज दरबार में आश्रय मिलता था। इन संगीतकारों ने अधिकतर राजाश्रय में ही उन्नति की, परंतु ये संगीतकार अपने ज्ञान को इतना छिपा कर रखते थे कि वे किसी अन्य जाति वालों को तो क्या, अपनी जाति वालों को भी बताने में संकोच करते थे। वे संगीत के वो ग्रंथ भी नहीं लिखते थे ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो सके। इसी संकीर्णता के फलस्वरूप संगीत के क्षेत्र में घरानों की नींव पड़ गई। इन घरानों के माध्यम से संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता था, लेकिन इसकी ये बुरी बात भी थी कि अगर किसी को अच्छा शिष्य ना मिला और उसका पुत्र नहीं हुआ, कभी कभी संगीतकारों के साथ ही साथ उनका संगीत भी समाप्त हो जाता था। अंग्रेजों के काल में संगीत कला अनपढ़ व्यवसायी लोगों के हाथ पहुंच गई। इन संगीतकारों के सामने व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रधान था, जहाँ घरानों को आश्रय मिला और उनकी जड़ें मजबूत हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजपूत युग में घरानों की पृष्ठभूमि तैयार हुई और आधुनिक घरानों का पूर्णतः विकास अंग्रेजों के शासनकाल में ही हुआ। पिछले 250 वर्षों में अर्थात 18वीं शताब्दी के बाद आधुनिक घराने प्रचार में आए। घरानों ने वास्तव में संगीत कला को अवश्य समृद्ध किया है और उसी के फलस्वरूप आज संगीत की महानतम निधि आज हमारे पास है। सस्ते मनोरंजन के अंधकार भरे उस युग में इन्हीं घरानेदार संगीतज्ञों ने अपनी कठोर साधना, असीम गुरु भक्ति और तालीम से संगीत को जीवित रखा। यदि घराने ना होते तो संगीत की परंपरा, संगीत की विद्या अवश्य ही मध्य युग और अंग्रेजों के युग में नष्ट हो गई होती, क्योंकि इस समय संगीत को कोई राज्याश्रय प्राप्त नहीं था। घरानों ने ही
हमारी सांगीतिक संस्कृति की रक्षा की है और कला के रक्षक का उत्तरदायित्व भी निभाया है।